हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा किसान नेताओं को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी का मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। आज यमुनानगर में भारतीय किसान यूनिटी के एथगुट और किसान सभा द्वारा प्रदर्शन कर कृषि मंत्री का पुतला फूंक रोष जताया गया। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने कहा कि इस तरह की भाषा मंत्रियों को शोभा नहीं देती। उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा सरकार ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की तो हम बड़ा आंदोलन करने पर विवश होंगे। 28 नवंबर को जेपी दलाल ने किसानों के बारे में एक अभद्र टिप्पणी, उनकी बहू बेटियों के बारे में बड़ी गंदी बात कही है और उसी को लेकर उसको टाइम भी दिया था खाप पंचायतों ने, किसान मोर्चा ने और हरियाणा भारतीय किसान यूनियन ने, भाई आके माफी मांग ले। लेकिन उसमें इतना अहंकार है कि वो किसानों के बीच आने की हिम्मत नहीं कर रहा और आज उसी के विरोध में पूरे प्रदेश में उसके पुतले जलाए गए। लेकिन हमने यमुनानगर में इसको फांसी दी है और मैं यहाँ किसानों के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी भी देता हूँ कि यमुनानगर में घुस के दिखाए अगर असली किसान का बेटा है। वो कहता है मैं किसान का बेटा हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ। कहता है अगर किसान का बेटा है, अपनी ताकत दिखाना चाहता है तो यमुनानगर में घुस के दिखाए। पिछले भी संदीप सिंह मंत्री देख लो और एक लखीमपुर खीरीवाड़ा मामला देख लो, 4-5 किसानों को रौंद के सरेआम गुंडागर्दी करके आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। सरकार किसानों को बर्बाद करने पे तुली है, किसान विरोधी सरकार है। अगर दोबारा भी हमारा संयुक्त मोर्चा जो भी कड़ा फैसला लेगा, सड़कें रोकने का, रेलें रोकने का, उसके हम बिल्कुल तैयार हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा किसान नेताओं को लेकर एक कार्यक्रम के दौरान यह टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद से किसान नेताओं में गुस्सा देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टाइम्स।